नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आज याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। एनटीए की ट्रांसफर याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली। जस्टिस जेवी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा भी साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अब तय करना है कि नीट परीक्षा दोबारा होनी है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में विवादों से घिरी हुई नीट यूजी 2024 से जुड़ी हुई याचिकाओं पर अब आज सुनवाई होगी। मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा 5 मई को हुई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पादरीवाला, इसके अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 40 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुनवाई करने वाली है। इससे पहले पीठ ने 11 जुलाई को परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित गड़बड़ी की जांच की मांग वाली याचिकाओं सहित कुल ऐसी तमाम याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। पीठ ने तब कहा था कि मामले में कुछ पक्षों को केंद्र और एनटीए के द्वारा हलफनामे प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अब आज तमाम जो याचिकाएं हैं नीट से जुड़ी हुई, कुल ऐसी 40 याचिकाएं हैं, 40 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको याद होगा कि जो नीट का एग्जाम है 5 मई को हुआ था और तभी से ये पूरा जो पूरा ये परीक्षा का जो मामला है वो विवादों में घिरते जा रहा है। कई सारी याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी हैं, कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई भी हो चुकी है। इससे पहले जब 11 जुलाई को परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई हुई थी, दोबारा परीक्षा कराने को लेकर नीट यूजी 2024 के आयोजन में गड़बड़ी की जांच की मांग वाली तमाम जो याचिकाएं थी उसको 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। और अब आज के लिए लिस्टेड थी तमाम याचिकाएं, आज सुनवाई होगी। 40 से ज्यादा कुल याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला, इसके अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा, इनकी पीठ 40 से ज्यादा याचिकाओं पर अब आज सुनवाई करेगी। तो इन याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए पहले स्थगित कर दी गई थी और तब पीठ का कहना था कि मामले में कुछ पक्षों को केंद्र और एनटीए के द्वारा हलफनामे प्राप्त नहीं हुए हैं।